देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। पंजीकृत अस्पतालों की सूची मांगी गई है, किस प्रकरण में मांगी गई है और क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से चला रहा है कि जो कई ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के नाम पर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन करा करके और तहसील स्तर पर छोटे छोटे अस्पताल खोल करके लोगों का जो है शोषण कर रहे हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में आया था। इसके पहले भी आया था, मैंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दिया था। और आप जैसा जानते हैं, पूर्व में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक नोवा हॉस्पिटल ने इसी तरीके से सरकारी अस्पताल में सेटिंग करके वो पेशेंट लेके जाता था, तो मैंने उस पर छापा भी डाला था। और आज आप जाके देख सकते हैं कि नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है। और जब बाद में मुझे इस तरीके की जानकारी मिली कि छोटे छोटे किसी को कुछ नहीं हुआ है तब भी वो अस्पताल में जाता है, उससे 30,000, 40,000, 50,000 का बिल बनाया जाता है, तो मैंने एक सूची मांगी कि आखिर कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगा कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने चाय की दुकान नहीं हैं उससे ज़्यादा जो है अस्पताल है, तो हमको लगा कि इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड कैसे हो गए। जब मैंने जांच कराई तो मेरे पास जो सूची आई वो बड़ा आश्चर्यजनक है। जैसे मैं अपने बदलापुर की बात करूँ, मेरे यहाँ बदलापुर में कुल 5 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जबकि जो है 49 अस्पताल चल रहे हैं, 49 अस्पताल चल रहे हैं और रजिस्टर्ड 5 हैं। ये कितने बड़े ताजुब की बात है। और आज समीक्षा बैठक में भी मैंने इसका प्रश्न रखा, हमने कहा आखिर आज तक एक किसकी मिली भगत से चल रहा था, और अगर इसमें किसी की मिली भगत से अस्पताल चल रहा था उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ सारी सूची। जैसा कि अभी मेरे पास जो सूचना आई है कि पूरे जनपद में 121 अस्पताल वो रजिस्टर्ड हैं और बाकी लगभग 250 अस्पताल अभी पेंडिंग में है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। यानी कुल मिला जुला करके 121 अस्पताल रजिस्ट्रेशन, लेकिन जबकि अगर अस्पतालों की संख्या देखी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा जौनपुर जनपद पूरे प्रदेश के अस्पतालों के मामले में रिकॉर्ड कायम इसमें शामिल हो जाएगा। कि कम से कम मैं समझता हूं कि अपने अकेले जौनपुर में, जौनपुर सिटी में हजारों अस्पताल चल रहे हैं, और अगर पूरे जौनपुर की मैं ले लूँ तो कम से कम 5,000, ये मेरा एक अनुमान संख्या है कि 5,000 ऐसे छोटे बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और मैं इस पर पूरी कार्रवाई के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे पास सूची भी आ गई है, अभी उसमें नाम नहीं दर्ज है किस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुझसे अभी 2-4 दिनों का और समय मांगा है, और जिस दिन मेरे पास डॉक्टरों की नाम आ जाएगी कि फला डॉक्टर के